हाय सुमित जी, कैसे हो सर? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास दिनेश जी। गुड इवनिंग सर। सर, व्यूअर्स वुड लाइक टू विश यू फॉर गणेश चतुर्थी एंड यू नो वुड वांट योर आइडियाज अबाउट द स्टॉक मार्केट सर। वेल यस, एब्सोल्युटली। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर द विशेस एंड मेरी तरफ से भी सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी से दरखास्त है, रिक्वेस्ट है कि इस गणेश चतुर्थी में भगवान से प्रार्थना करें कि इस COVID-19 कोरोना वायरस सिचुएशन से हमको छुटकारा मिले और जल्द से जल्द ये आउट हो और हम अच्छे से फैमिली के साथ घूम सके, खा पी सके और लाइफ एंजॉय कर सके। उसके बाद अब रही मार्केट्स की बात, तो मार्केट्स के अंदर लास्ट हमने पॉडकास्ट में लिखा था, बोला था कि हमारा व्यू पॉजिटिव है निफ्टी बैंक निफ्टी में। वॉलिटिलिटी जरूर देखने को मिलेगी लेकिन ओवरऑल पॉजिटिव अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। तो अभी भी सेम व्यू है, निफ्टी आज भी पॉजिटिव क्लोज दिया, बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव क्लोज दिया और अब यहां से निफ्टी में ऊपर में इमीडिएटली 11550 11600 के टारगेट बनेंगे और नीचे में 11400 का पहला सपोर्ट है और 11300 का दूसरा सपोर्ट है। तो ये दो सपोर्ट जब तक नहीं टूटते तब तक लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करके चले और ऊपर में 11550 से 11600 तक के लेवल निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। सर, बैंक निफ्टी में क्या लग रहा है? दिग्नेश जी, कंपेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी मेरे को ज्यादा स्ट्रांग लग रही है। बैंक निफ्टी ने पिछले कुछ हफ्तों से पॉजिटिव मूव देना का शुरुआत किया है, बट ओवरऑल अगर हम लास्ट एक महीने का ट्रेंड देखेंगे तो बैंक निफ्टी एक रेंज में चला है जिसमें 21,000 नीचे का सपोर्ट है, 21,500 ऊपर में 23,200 के आसपास का रेजिस्टेंस है। अभी फाइनल रेजिस्टेंस लेवल के पास आ चुका है और एक अपर चैनल के अपर रेजिस्टेंस पे ये ट्रेड कर रहा है। कल और परसों में क्लियर हो जाएगा क्योंकि मंथली एक्सपायरी भी है और वॉलिटिलिटी भी देखने को मिलेगी। एट द सेम टाइम ये ब्रेकआउट होता है कि नहीं होता है ये भी देखने को मिलेगा। लास्ट दो बार यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करके करेक्शन देखने को मिला, अगर इस बार ब्रेकआउट आया तो बहुत बड़ा अपसाइड मूव बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा। 1,500 से 2,000 पॉइंट का अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है अगर 23,200 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी क्लोजिंग दे देता है और वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट आता है। तो ऐसा होने पे बहुत अच्छा ब्रेकआउट आएगा, फिर 1,500 से 2,000 पॉइंट का अपसाइड मूव हफ्ते भर के अंदर ही बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिलेगा। तो कम्पेयर टू निफ्टी मेरे को बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग लगती है। अगर कोई भी डिप आता है तो बैंक निफ्टी में खरीदारी करें, नीचे में 22,500 के आसपास का सपोर्ट है, कोई भी डिप में खरीदारी करें, ऊपर में 23,200 लेवल टूटने के बाद 23,500 से 24,000 के इमीडिएट टारगेट होंगे और उसके बाद और भी ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। राइट सर। सर, यू नो स्टॉक स्पेसिफिक सर कुछ आइडियाज है? स्टॉक स्पेसिफिक बैंकिंग स्टॉक्स और फाइनेंशियल स्टॉक्स मेरे को यहाँ पे अच्छे लग रहे हैं। फाइनेंशियल स्टॉक्स में महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। 5 से 10% का अपसाइड मूव महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस पे देखने को मिलना चाहिए। L&T फाइनेंस यहाँ पे अच्छा लग रहा है, 74 से 75 रुपए तक के टारगेट L&T फाइनेंस के अंदर देखने को मिलना चाहिए। बैंकिंग स्पेस के अंदर ICICI बैंक मेरे को ऐसा लग रहा है कि प्रेजेंट लेवल से 15 से 20 रुपए का अपसाइड मूव देखने को मिलेगा, यानी 8 से 10% का अपसाइड मूव ICICI बैंक के अंदर देखने को मिल सकता है। मोस्ट ऑफ दी प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, ये सब चार्ट के ऊपर अभी अच्छे दिख रहे हैं। बैंक निफ्टी में जैसे ब्रेकआउट आएगा तो ये प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स में तो तेजी देखने को मिलेगी मिलेगी। एट द सेम टाइम PSU बैंकिंग स्टॉक्स भी मूव करेंगे जिसके अंदर SBI लीड करेगा जो 215 से 220 तक का अपसाइड मूव दिखा सकता है। आज भी SBI बैंक ने एक स्ट्रेंथ दिखाई थी तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये सब एक बड़ी तेजी दिखाने को तैयार है जो कि पिछले कई हफ्तों से ये स्टॉक्स चले नहीं है, एक रेंज बाउंड मूव देखने को मिला है। तो इन स्टॉक्स पे रडार रखिए, आने वाले हफ्ते से 10 दिन के अंदर प्राइवेट बैंकिंग, PSU बैंकिंग और NBFC या फाइनेंशियल स्टॉक्स में नजर रखिए, ये स्टॉक्स यहाँ से बहुत बड़ी अपसाइड मूव दिखा सकते हैं। राइट सर। सर, और एक था कि IT सेगमेंट में कंसोलिडेशन दिख रहा है सर? IT सेक्टर पूरा एक अच्छी तेजी दिखाने के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट हम IT सेक्टर में थोड़ा सा फॉल देख सकते हैं। इंफोसिस, विप्रो, TCS ये सब स्टॉक्स में ऊपरी लेवल से थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। तो ये पूरा सेक्टर को एक बार वेट एंड वॉच मोड पे रखें, एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करके चले, फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा सा वेट करें, या तो करेक्शन आने दे या फिर वापस से ये रिबाउंड लेके एक तेजी का ब्रेकआउट आने दे तब करें। अभी जो फ्लेवर रहेगा वो बैंकिंग रहेगा, प्राइवेट बैंकिंग, PSU बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स, इन्हीं को रडार पे रखें क्योंकि ये चले नहीं है तो ये 10-10, 20-20 टके का मूव इजिली दिखाएंगे। सर, इंश्योरेंस सेक्टर में कुछ एक्शन लग रहा है इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड सेक्शन में? नहीं, इंश्योरेंस सेक्टर पूरा मेरे को करेक्शन मोड में लग रहा है। जैसे मैं नाम लूँ तो SBI लाइफ हो गया, ICICI प्रो हो गया, HDFC लाइफ हो गया, ये सब स्टॉक्स मेरे को चार्ट के ऊपर ऐसा लग रहा है कि रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं और ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिल रहा है। तो एक चीज मैं व्यूअर्स को बोलना चाहूंगा कि जब भी मार्केट में करेक्शन आए तो इन स्टॉक्स को सेल साइड पे रडार पे रखें और जब भी करेक्शन देखने को मिले तो ये स्टॉक पहले गिरावट दिखाएंगे और फॉल दिखाएंगे, जिसमें मेरे को लगता है HDFC लाइफ नीचे में 570 से लेकर 550 रुपए तक के लेवल दिखा सकता है। तो इन स्टॉक्स के अंदर दबाव देखने को मिलेगा, चाहे फिर वो HDFC लाइफ हो, ICICI प्रूडेंशियल हो या फिर SBI लाइफ हो। फाइनली सर, यू नो लॉकडाउन धीरे धीरे जैसे खुल रहा है, अनलॉक हो रहा है अभी,
तो इंफ्रास्ट्रक्चर में सर कोई स्टॉक्स है जो आपको लग रहे दिखेंगे अभी थोड़े एक्शन में? देखिए लॉकडाउन अभी ओपन अप हो रहा है, लेकिन अभी फुल लॉकडाउन ओपन अप होने में टाइम लगेगा, तो जब तक ये सिनेरियो पता नहीं चलता है तब तक थोड़ा सा डिफिकल्ट और डाइसी सीन है। अगर ये केसेस ऐसे ही बढ़ते रहे, अभी ऑलरेडी 70,000 के आसपास केसेस इंडिया में आ रहे हैं, अगर केसेस ऐसे ही बढ़ते रहे तो ये प्रॉब्लम वाली बात भी होगी, और लॉकडाउन जैसे जैसे खुल रहा है वैसे वैसे केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं, तो थोड़ा सा सिचुएशन डाइसी है। एक बार ये रैली खत्म हो जाए तेजी वाली, क्योंकि ये पूरी लिक्विडिटी ड्रिवन रैली है, तो अगर ये ऊपर में पॉज लेगी उसके बाद करेक्शन भी अच्छा देखने को मिलेगा। तो मेरी तरफ से सब इन्वेस्टर्स को, सब ट्रेडर्स को यही सलाह रहेगी कि कॉशियसली ट्रेड करें, एक स्टॉप लॉस से ट्रेड करें, बिना स्टॉप लॉस ट्रेड ना करें। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में L&T एक काउंटर अच्छा है, जिसके अंदर आप डिप्स में खरीदारी कर सकते हैं, स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है, एक्यूमुलेट करने के लिए अच्छा है, जैसे ही ब्रेकआउट आएगा तो बहुत बड़ा अपसाइड मूव दिखाएगा आने वाले कुछ महीनों में, तो इस स्टॉक को आप लोग डिप्स में खरीदारी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।